लाइफ में एक बात जरूर ध्यान रखना आप लोग, बिना सोचे समझे, बिना सत्य को जाने, बिना ट्रुथ को जाने, हर किसी पर आरोप मत लगाना, हर किसी को दोषी मत बना देना। वैसे आजकल ये काम मीडिया बहुत बखूबी कर रहा है, किसी पर आरोप लगाता है और मीडिया, सोशल मीडिया उसको आरोपी बना देते हैं। भले ही वो बेचारा एक्यूज्ड ना हो, भले ही वो आरोपी ना हो, फिर भी उसको आरोपी बना देते हैं। बार बार न्यूज चैनलों में वही न्यूज चलती है, बार बार सोशल मीडिया पर वही न्यूज चलती है, और फिर बहुत से लोग बाद में बरी होते हैं, बातचीत बरी होते, फिर क्या होता है, उनकी इज्जत तो लूट जाती है। तो आप बिना सोचे समझे किसी पर आरोप मत लगाना। अभी एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं होती है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, आप ही कहते हो अरे यार वो लड़की यार चरित्रहीन है, अरे यार वो व्यक्ति चरित्रहीन है, वो ऐसा ही है, वो लड़की ऐसी है, अरे यार वो औरत वैसी है। क्या कोई औरत, क्या कोई व्यक्ति अकेले चरित्रहीन हो सकता है? अकेले चरित्रहीन हो सकता है? मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी में, देखना आप। एक बार एक गांव में युवा संत आते हैं, युवा संत होते हैं वो, और बहुत ही बड़े स्मार्ट होते हैं, उनकी कद काठी अच्छी होती है और दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। वो बहुत ही अच्छा बोलते थे और लोगों को अच्छा प्रवचन देते थे, लोगों से काफ़ी प्रभावित थे। तो वो उस गांव में आते हैं, लोग उनकी खूब आवभगत करते हैं और खूब उनका सत्कार करते हैं और उनका प्रवचन चलता है। तो एक बार एक स्त्री उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि संत, आप इतने युवा हो, इतने सुंदर हो, तो आपने ये मोह माया ये दुनिया क्यों छोड़ी, आपने ये संसार क्यों छोड़ा और भगवान की भक्ति की तरफ क्यों आए? तो उस संत ने क्या कहा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, मैं सत्य की खोज में हूँ। तो कुछ ऐसी बातें उस स्त्री ने सुनी, वह स्त्री बहुत उनसे प्रभावित हुई, बहुत ही अफेक्टेड हुई उनसे। तो उसने कहा कि हे संत, आप मेरे घर पर खाना खाने पधारना। क्या कहा? आप मेरे घर पर खाना खाना पधारना। तब ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव वाले दौड़े दौड़े युवा संत के पास आए और कहे, प्रभु गुरुदेव, आप उस औरत के घर मत जाना। तो उस युवा संत ने कहा कि क्यों? तो गांव वाले कहते, प्रभु गुरुदेव, वह औरत तो चरित्रहीन है, वो औरत तो ऐसी ही है, उसके घर आप मत जाना वरना आपको भी वो फंसा लेगी। युवा संत को बड़ा अजीब लगा कि यार गांव वाले ऐसी कैसी बात कर रहे हैं कि वह औरत ऐसी ही है, वो औरत चरित्रहीन है। तो उस युवा संत ने उस गांव के सरपंच को बुलाया और पूछा कि क्या ये गांव वाले कह रहे हैं सही बातें हैं, क्या वो औरत चरित्रहीन है? तो सरपंच कहता है, जी गुरुदेव, जी प्रभु, वो औरत चरित्रहीन है और वो औरत ऐसी है, हर किसी को अपने आप दूसरों लोगों को फंसा लेती। तो वो युवा संत उस सरपंच को कहते हैं कि आप इधर आओ, और उस सरपंच का एक हाथ उठाते हैं युवा संत और कहते हैं कि अब एक हाथ से ताली बजा कर दिखाओ मेरे को। तो वो सरपंच कहता है कि गुरुदेव, एक हाथ से ताली कैसे बजती है, एक हाथ से तो हम ताली नहीं बजा सकते। तो इसी बात पर युवा संत उस सरपंच और गांव वालों को कहते हैं कि क्या वो औरत अकेले चरित्रहीन हो सकती है? तुमने भी तो कुछ ऐसा हुआ होगा, तुमने भी तो उसका साथ दिया होगा, तब वो चरित्रहीन बनी होगी। कोई भी स्त्री और कोई भी व्यक्ति अकेला चरित्रहीन नहीं हो सकता है, कोई ना कोई तो उसका साथ देता है, तब वो चरित्रहीन बनता है। वो युवा संत कहता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति चरित्र के साथ जीता है, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति उसके साथ मिल जाता है ना, तो वो भी चरित्रहीन बन जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अकेला चरित्रहीन नहीं बन सकता, वो अकेला कैसे बनेगा, कोई उसके साथ में जुड़ेगा तो वो चरित्रहीन बनेगा। तो गांव वाले, वो सरपंच सब गुरुदेव के आगे नतमस्तक हो गए। तो उन्होंने कहा था कि हे गुरुदेव, हमें माफ करो, आपकी बात सही है, हमारे गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके साथ जाते हैं और वो भी चरित्रहीन है, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते। तो युवा संत कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे किसी पर अंगुली मत उठाना, किसी पर आरोप मत लगाना, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ करोगे ना तो ताली बजेंगी। बिना बात के उस औरत पर चरित्रहीन का आरोप लगाया तुमने, अगर वो अकेली रहती तो क्या वो चरित्रहीन बन सकती? नहीं बन सकती, किसी भी हालत में नहीं बन सकती। तुम्हारे गांव वाले कुछ लोग वहां गए और वो चरित्रहीन बनी। तो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अकेला चरित्रहीन नहीं बन सकता है, उसके साथ कोई जुड़ेगा तो चरित्रहीन बनेगा। तो लाइफ में एक ध्यान रखना कि बिना सोचे समझे किसी पर आरोप मत लगाना,
और बिना सोचे समझे किसी को दोषी मत ठहराना।